कहानी 47 फिलिप्पी में पौलुस और सिलास। जब शाउल सारे रोमी साम्राज्य में यात्रा करी तब ते अपने रोमी नाव पौलुस रा इस्तेमाल करना शुरू करू। एक सदैड़ी पौलुस और तेवरो साथी सिलास फिलिप्पी नगरा में यीशु रे बारे में शुभ संदेश सुनावने री तैनी नाठे। त्या नगरा भागे नदी रे किनारे एक सा जगह नाठे जखे लोका प्रार्थना करने री तैनी कट्ठे होई देथी। तके त्या लुदिया नारी एक सा बेटड़ी का मिली जो एक व्यापारी थी। सो परमेश्वर का प्रेम करदा थी और तेवरी आराधना करदा थी। परमेश्वर लुदिया रमन यीशु रे शुभ समाचार पेंदे विश्वास करने री तैनी सक्षम करी। पौलुस और सिलास तेसा होर तेसके टबरा बे बपतिस्मा दिना तेसा पौलुस और सिलासा बे अपने घोरे रोहने री तैनी बोलू तेबे त्या तखे रुकी। पौलुस और सिलास लोका बे सदा तेसा जगह बैठा थी जखे यहूदी लोका प्रार्थना कर दे रोंदा थी। रोज जेबे त्या तखे नांदा थी तेबा एक सेवक लड़की जो दुष्ट आत्मा जकड़ी जाई दी थी त्यारा पीछा कर दी रोंदा थी। ऐसा दुष्ट आत्मा संगे सौ लोका रा भविष्य खोज दी रोंदा थी। तेवा सौ भविष्य खोजने आली रे रूपा में अपने मालका बे पौ डब्बे खट्टे करा थी। त्या नांदे बखता यह दासी शोरी जोरे जोरे बोलती लागी थी यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर रे सेवक सा यह तमा बे उधार पावने री बाता खोजते लागे दसा। सौ रोज एड़ा करता थी जासू का पौलुस तंग हो। एक सा दिहाड़ी जेबा सौ सेवक चोरी जोरे जोरे बोलती लागी तेबा पौलुस तेसा फेरा बे फिरी करे तेसके मित्रा री दुष्ट आत्मा बे बोलू यीशु रे ना का ऐसा का निकल। तेव बखते तेसा चोरी का दुष्ट आत्मा बागे निकती। तेसा चोरी रे मालिका बक्के रोश हो त्या पता लगा कि बिना तेसा दुष्ट आत्मा का सौ दासी चोरी लोका रब विषय नहीं खोजी सकता थी। इतका मतलब यह थी कि लोका एबा तेसरे मालका बे ढब्बे नहीं दीने कि सो त्या बे विषय खोजे कि त्या संगा के होना। तेबे तेसा शोरी रे मालिके पौलुस और सिलास रोमे अधिकारी सेटा बेनी ते पौलुस और सिलास चिक्की होर त्योकि त्या जेल पाई। ते पौलुस और सिलास जेला रे एड़े हिस्से में डाई जके सभी का ज्यादा सिपाही थी और ते त्यारी जंगा एक ही लकड़ा रे एक ही बड़े छेदा में बहनी। पर पौलुस और सिलास आधा राची रे बक्ता परमेश्वर री स्तुति री गिया गाउंदे लगे थी। तेबा एकदम तगड़ी जाजरी होई जेला रे सारे द्वार खुली और सारे कैदी री जंजीरा खुली। तेबा दरोगा उठू तेउ हेरू की जेला रे सारे द्वार खुली दे थी। तेउ सोचू की सारे कैदी बची करे ठूरी होने सौ डरू थी कि त्या ठूने री बजा का रोमी अधिकारी हाँ मारी पाउनो। तेवे सो अपने आपू वे मानने री त्याणी तैयार हो। पर पौलुस तेव हेरी करे जोरे संगा बोलू रुक अपने आपा वे नुकसान नाई पजेरे हमें सबे औखे सा। तेव दरोगे कामदे कामदे पौलुस और सिलासा सेटा इच्छी करे पुछू उधारा पाउने री तैणी हाँ के करू। पौलुसे जवाब दीना प्रभु यीशु पेंदे विश्वास कर तेबा ता होर तेरे घराने उधार पावना। तेबा ते उदरोगे पौलुस और सिलास अपने गौरा बेनी और त्यारे घाव दोई। पौलुस तेवरे गौरा रे सभी लोका वे यीशु रे बारे में शुभ समाचार सुनाऊ। दरोगा होर तेवरे पूरे टबरे यीशु पेंदे विश्वास करू तेबा पौलुस और सिलास त्या बे बपतिस्मा दीना। तेबा दरोगा पौलुस और सिलासा बे खाना खिलाऊ और त्या एक ही बारे कट्ठे होई करे खुश होई। अगले दिहाड़े नगर रे गुरु पौलुस और सिलास जेला का आजाद करी और त्या कबूलू। फिलिप्पी नगर का नहा पौलुस और सिलास लुदिया होर एका होरी साथी का मिली होर तेतावाद तेव नगर का निकते। यीशु रे बारे में शुभ संदेश फैलता रहू होर कलिसिया बढ़ती रही। पौलुस और होरा मसीही गुरु बहु नगर री यात्रा करी ते लोका बे यीशु रे बारे में शुभ समाचार सुनाऊ ते कलिसिया रे विश्वासी लोका बे शिक्षा देने री तेनी कई चिट्ठी भी लिखी। या में एका चिट्ठी बाइबल री किताब बनी।